आज हम पढ़ेंगे बहुलक ज्ञात करने की अन्य विधियां। तो बहुलक ज्ञात करने की दूसरी जो विधि है, पिछले वीडियो में आपको बताया था ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड के अलावा एक और मेथड है जो कि बहुत ही सरल विधि है। तो खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए समूहीकरण विधि तो सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन कभी कभी बहुत ही संक्षिप्त और सरल विधि भी अपनाई जा सकती है। तो इसमें सबसे अधिक आवृत्तियों के आगे और पीछे के आवृत्तियों को टोटल कर लेते हैं और तीनों का योग जिसका अधिक होता है उसी मूल्य को बहुलक मूल्य कहते हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग नहीं करके सिंपल मेथड से अगर करना चाहें तो हम देखेंगे यहाँ आठ और आठ दोनों किसके, एक तो चार के आगे आठ है और छह के सामने भी आठ है। तो अब ये देखेंगे बिल्कुल सिंपल मेथड से कि इनमें से कौन सा बहुलक होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके आगे और पीछे वाली फ्रिक्वेंसीज को भी टोटल कर लेंगे। जैसे चार और छह, ये तो चार के लिए है और ये छह के लिए। अब चार के सामने वाली तो है आठ, पीछे वाली छह और सात, तो छह आठ सात, छह आठ और सात को प्लस करेंगे। छह के लिए अगर देखें हम तो सात आठ और पांच को करेंगे। अब इनका टोटल करके देखेंगे कि कौन सी मूल्य का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 21 और ये आ जाएगा 20। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल ज्यादा है तो चार बहुलक होगा। तो ये एक संक्षिप्त और सरल विधि अपनाई जा सकती है कभी कभी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अखंडित या सतत श्रेणी में कंटिन्यूस सीरीज में बहुलक इस तरह से निकाला जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज में बहुलक निकालने के लिए ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करेंगे और फिर ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करके निकालेंगे कि कौन सा वर्ग, यानी कि क्लास इंटरवल्स होंगे इसमें निश्चित रूप से, तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस वर्ग में वो मॉड स्थित है। अब वो वर्ग आपको पता लग गया ग्रुपिंग मेथड से, तो फिर आप एक फॉर्मूला लगा के उसके बीच में मॉड कहाँ स्थित है ये चीज निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले तो आप ग्रुपिंग मेथड से निकाल लेंगे, अभी जैसा बताया आपको पिछले वीडियो में। तो ग्रुपिंग मेथड से ये पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो मॉड ग्रुप है। अब मॉड ग्रुप निकल के आ गया, मान लेते हैं हम कि 30 से 40 निकल के आया है बहुलक वर्ग, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो जेड इज इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू फाइव। ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। जेड का मतलब है बहुलक, एल वन का मतलब है लोअर लिमिट, एफ वन का मतलब है उसके जस्ट सामने वाली फ्रिक्वेंसी, एफ जीरो का मतलब है उसके पहले वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी, और एफ टू का मतलब है उसके जस्ट बाद वाले, इस ग्रुप के जस्ट बाद वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि इसके बीच में ये कहाँ स्थित है। अब एक क्वेश्चन से आपको कंटिन्यूस सीरीज का मॉड निकालना बता रहा हूं। कंटिन्यूस सीरीज में मॉड निकालने के लिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जीरो से पांच, पांच से दस। क्वेश्चन बता रखा है आपको जीरो से पांच, पांच से दस, दस से पंद्रह, पंद्रह से बीस, बीस से पच्चीस, पच्चीस से तीस और तीस से पैंतीस। ये आपको क्वेश्चन बता रखा है, इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी बता रखी है क्वेश्चन में। जी इसकी फ्रीक्वेंसी बता रखी है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें मॉड निकालिए, तो सबसे पहले तो हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे और ग्रुपिंग मेथड का यूज करके हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रुप जो है वो निकल के मॉड वाला ग्रुप निकल के आया। तो पहला कॉलम तो हमारा ये बन जाएगा, इसके बाद हम बनाएंगे पांच कॉलम और, ठीक है। अब पांच कॉलम जो हमने बनाए उसमें फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया, सेकंड कॉलम बनेगा
दो दो के टोटल वाला, यानी कि 3 और 10 को ऐड करेंगे, 22 और 14 को करेंगे, तो इस तरह से निकल के आ जाएगा 2 2 का टोटल किया, नीचे का एक छोड़ देंगे अगर एक बचा है तो, फिर 2 2 का दूसरा टोटल करेंगे, ये आ जाएगा इन दोनों का, और ये 32 18 3, फिर 3 3 के 3 टोटल करेंगे हम, कौन सा पहले इन तीनों का फिर इन तीनों का 20 35 और 20, और फिर इसके बाद है और इन तीनों का 7, और अब 3 3 का टोटल करेंगे लास्ट वाला, यानी कि ऊपर से 2 छोड़ते हुए, तो ऊपर से हमने 2 छोड़े तो फिर एक ही बचेगा, 22 14 और 4, इनको टोटल किया तो ये आ जाएगा 40। अब हम यहां पे इनको इस तरफ मांग देंगे हाईएस्ट के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी में देखो आप सबसे ज्यादा है 22, तो 22 यहाँ पे आप एक चिन्ह दे दोगे, ठीक है। दूसरा देखो आप 36 36 किसका टोटल है, इन दोनों का, तो एक इसको और एक इसके बाद वाले को। फिर इसके बाद देखो आप 32 32 किसका टोटल है, इन दोनों का, तो एक इसको और एक इसको। फिर इसके बाद देखो आप 35 35 किसका टोटल है, 35 है इन तीनों का, 3 3 का ये, ठीक है, तो ये 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद देखो आप 46 46 किसका टोटल है, इन तीनों का, यानी कि 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद 40 40 किसका टोटल है, इन तीनों का, यानी कि इसका 1 और 2 और ये 3। अब हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा चिन्ह किसको मिले हैं, तो सबसे ज्यादा चिन्ह मिले हैं 1 2 3 4 5 और 1 6 6 चिन्ह मिले हैं किसको, 10 से 15 वाले ग्रुप को। तो ग्रुप हमारा निकल के आ गया 10 से 15, ग्रुपिंग मेथड से 10 से 15 वाला ग्रुप निकल के आ गया। अब ये देखेंगे कि 10 से 15 वाला जो ग्रुप है उसमें बीच में वो कहां पर स्थित है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो 10 से 15 वाला ग्रुप में 10 प्लस उसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 12, उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी कितनी थी, ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 22 माइनस 10 22 आ गया, माइनस 10, ठीक है, 22 माइनस 10, और नीचे 2 इंटू 22 माइनस F0 10, क्या माइनस आ गया, 10 माइनस F2 कितना था, 14 इंटू आई, क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पे 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा 10 प्लस 3 10 प्लस यहाँ पर 12 44 में से 24 गए 20 इंटू 5, तो 4 3 तो ये आ गया आपका 13, तो Z निकल के आ गया 13। तो इस तरह से कंटिन्यू सीरीज में मॉड निकाल सकते हैं।